जिधर मर्जी गड्डी भेजो लदी है देवते राजी मिले नवे शहर भेजो सारिया गड्डिया गल की डिवीजन कमिश्नर साहब ने भी गल की डीसी साहब ने की उन्हें आखिया जी अस फास्ट ट्रैक करा फास्ट ट्रैक हुई गया छिपे का खुली भी गया अजे तक चला दा नहीं डेढ़ साल प्रेसा प्रेसा की और प्रोटेस्ट भी सब तो ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जम्मू दुपट्टिया ने सर उन्हें आखिया तुम चालू पर्ची में कार्ड उधर करी ओड़ी दी है माइनिंग आले तरफ सारा कुछ ओके है चार चार मारी लिया लेकिन कम कर सब तो पहले मैं जनाब का शुक्रगुजार हाँ जे आज तो ठीक है एक हफ्ता पहले पिछले सोमवार को भी जनाब ने साडा इंटरव्यू भी लिया और असा प्रेस कॉन्फ्रेंस दी देन तो बावजूद अठ दिन का टाइम रखा जे अठ दिन के अंदर साढ़े कने कोई ना कोई टीम आए किसी भी डिपार्टमेंट की कोई एजेंसी आए जे आ गए इस चीज़ का हल करे जब असी रेवन्यू देन नू तैयार हाँ चाहे डिपार्टमेंट का बंदा बैठे चाहे कोई ठेकेदार बैठे लेकिन वो भी गल नहीं बनती गड्डियां साड़ियां दो साल तू ले गए मजबूर होए दिया लेकिन छे महीने तू ते घरों बाहर कड्डियां भी बंद हो गई अगर कदें कोई गोबर लद के भी दुए खेत्र पर जाओ तां भी पुलिस पकड़ लैंदी है लेकिन लिहाजा असें ताई मीडिया के थ्रू एक मैसेज पहुँचाया हा जे इस मैसेज के थ्रू शायद साड़ी आवाज़ कुदे सुनाई हो इस तरह के गरीब की आवाज़ कितने सुनाई रही नहीं है लिहाजा अज अठ दिन पूरे हो गए कोई किसी साइड तो सानू एक बाल जिनी हेल्पली मिली गड्डियां रोड के उपर आनिया संगे उस दिन तो बाद पुलिस ने ज़्यादा सख्ती कर ली है वो अज कुछ बंद ने गड्डिया स्टार्ट की छे महीने जड़िया बंद पे दी गड्डिया नहीं स्टार्ट हुई बिल्कुल खत्म हो गई क्यों भाई ठीक है गलत है अच्छा रही गल अज का जोड़ा साड़ा मेन प्रोग्राम ये है कि गवर्नर हाउस के जाके गड्डिया छोड़ा उत्थे चाबियां उत्थे सिक्योरिटी होएगी तो उन्होंने हवाले कार आवे गड्डिया उत्थे छोड़ के आ जाने और इस तू बाद साडे कोल कोई रस्ता है ही नहीं जे दे असी पहले सोचा ही हाईवे बंद करांगे असा सोचा अगर हाईवे बंद किया कोई बीमार होएगा कोई एम्बुलेंस जाया करती है कोई किस तरह किसी ने कोर्ट की तरीक है वो लोग बेचारे बेराम हो जाएंगे उस हिसाब नाल असा जड़ा है वो बिल्कुल के बंद रखा कि हाईवे बंद नहीं करांगे असी जाएंगे गवर्नर हाउस तक अभी कुछ साथी पुज गए न कोई पुजा करते हैं लेकिन लिहाजा एको चीज़ है जे अस कोई चंगी माड़ी गल हो डिप्टी कमिश्नर जम्मू जिम्मेवार है डीएमओ ये माइनिंग डायरेक्टर जिम्मेवार है
और ये अपना SSP जम्मू ये जिम्मेवार क्यों जी असं पहले वार्निंग दी दी है जे हफ्ते के अंदर साडा हल किया जाए जां दे असी रेका करिए जे असी पैसे नहीं देने असी नहीं जी रालटी नहीं देने नूं तैयार असी जद सारे साथी ये चीज़ आखदे जे रालटी देने नूं असी तैयार हाँ चाहे डिपार्टमेंट लिया है ते चाहे साडे कोलों ठेकेदार लिया है। ये ट्रैक्टर ट्रॉली वाले हैं और टिप्पर वाले हैं, इन्होंने आज प्रदर्शन किया। ये पिछले एक बरस से लगातार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि इनको इनके कामकाज करने के तरीके में खलल ना पड़े और जो भी कानून हैं उनको इस ढंग से बनाया जाए ताकि जहां कानून की भी बालादस्ती रहे वहां ट्राली वाले को और टिप्पर वाले को भी अपना रोज़गार जो है वो मिलता रहे। और टिप्पर और ट्राली वाले जो हैं वो गरीब आदमी हैं, वो कोई शाहूकार नहीं है। और जब माइनिंग माफिया की बात की जाती है तो माफिया ये ड्राइवर नहीं हो सकता, माफिया या टेम्पो या ट्रैवलर या ट्राले वाला माफिया नहीं हो सकता। माफिया बड़े बड़े लोग हैं, वो ये नहीं हैं। इन लोगों की तरफ सरकार को तवज्जो देनी चाहिए। इन्होंने सरकार बैंकों से लोन लेकर अपना गुजारा करने के लिए किसी ने एक टेम्पो डाला है, किसी ने एक ट्राली डाली है, किसी ने एक टिप्पर डाला है। और अगर इनका रोज़गार नहीं चलेगा तो ये कहाँ से किस्तें देंगे, कहाँ से ये अपने बच्चों का पालन करेंगे। इसलिए सरकार को चाहिए कि कोई एक ऐसी नीति बनाए जिससे कि ट्रैक्टर ट्राली वाले और जो टिप्पर वाले हैं उनका रोज़गार चलता रहे और वो अपने बाल बच्चों का गुजारा कर सकें। आज हालत ये हो गई है कि टेम्पो ये अपना ये जो टिप्पर ट्राली है और जो ये ट्रैक्टर्स हैं ये कई ऐसे ऐसे हैं जो एक एक साल से घर से बाहर नहीं निकले हैं और जब बाहर निकलते हैं तो इनको चलान हो जाते हैं। जो चलान ये क्या भुगतेंगे, इनके पास पैसे खाने के लिए नहीं रहे हैं। इसलिए सरकार को चाहिए एक नीति बनाए और मैं समझता हूँ कि सरकार को एक हमदर्दाना एक रवैया इस्तेमाल करना चाहिए। ये लोग अपना रोज़गार खुद जुटा रहे हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और हमें ये कोशिश सबको करनी चाहिए कि इनको वो हर सहूलियत दे ताकि इनका रोज़गार चलता रहे, इनका जीने का सिलसिला जो है वो ख़राब ना हो। ये मेरी सरकार से अपील है। मैंने आज इनको रिक्वेस्ट की है कि इन्होंने जो अपना प्रोटेस्ट था मैंने इनको कहा अभी आप कॉल ऑफ करिए, क्योंकि एक आश्वासन आया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि इनका मसला जो है अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ के साथ टेकअप करके इनके मसले का कोई हल करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक हमदर्दाना रवैया इनकी तरफ करके इनके मसले का हल करेगी और इनको इनकी रोज़गार इज्जत से कमाने का पूरा मौका फराहम करेगी। शुक्रिया।